हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज संडे है तो असी सारी फैमिली चर्च जा रहे हैं। तो मैं इस समय कपड़े प्रेस करान जा रहा। पिछे तुम देख रहे हो, पिछे कपड़े मेरे टंगे हुए हैं और प्रेस थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं बाहर ही कपड़े प्रेस करान जा रहा। तो अगे तुम दस रहा नैक्सट चर्च तो बाद आप कितने जाना या नहीं जाना फैमिली दसूगी, जो फैमिली का प्रॉब्लम होया उस हिसाब ना पर चलेंगे। तो दोस्तों, 10 बजने वाले हैं, हमारा चर्च शुरू हो गया है, 10 बजे शुरू होगा और हम तैयार हैं, रेडी हैं। मेरी वाइफ तो अभी हम रेडी हैं चर्च के लिए जाने के लिए, और बच्चे चले गए और असी रह के जानू देख सकते हो। दोस्तों असी रेडी है, असी जा रहे हैं। चलो आ जाओ, बांधना बांधना। चाबी अपने कोल ही रखियो। Thank you.
टाइम तो बच्चों मेरे बहुत दस आज ये पहला पार्ट सुनते हैं। पहला पार्ट भजन सत्ता नंबर 66 से दिया गया है, बारी बारी से पढ़ा जाएगा। साम 66 जबू नंबर 6 दोस्तों। चर्च खत्म हो गया है हमारा, अभी हम घर जाएंगे। बच्चे बाहर है, देखते हैं। सलाम जी, यहाँ पे हमें अपनी एंट्री और हमारे भाई पिछड़े हुए हनी और मनी ये इनका बेटा आशीष। आशीष शिफू चलो चलो ननु। कहाँ जाना था हमने? हमने जाना है जाना बताओ। बोलो। और आपने उसका ब्लॉग बनाना है। ब्लॉग तो बना रहे हैं, फिर चलेंगे बाबू, अभी बिजी है ना। पापा बिजी हो आप? चलो नगर चलते। तो दोस्तों असी घरे आ गए, नगर जाना सी। बच्चे कहते सी नगर जाना सी, नगर गए सी, लेकिन दुकान बंद गई सी, नगर वाली शॉप बंद सी। तो असी वापस आ गए ते घरे खाना बनता पे। असं घरे आ गए ते घरे हुण असी वाइफ मेरी खाना बना रही है और असी खान लगे हैं। ननु इधर बैठी है वेट कर रही, मम्मा बना रही है और आशीष इधर वीडियो खेलता पे और मैं मूवी देख लगा और खाना खान लगी असी नाल नाल। तो दोस्तों अज अंडे की भुर्जी मेरी वाइफ ने बनाई है और मैंने बहुत ज़्यादा पसंद आ। मेरे वाइफ के हत्था की अंडे की भुर्जी बहुत ही ज़्यादा और इन्नी टेस्टी है पूछो ना। दोस्तों खा लो और जरूर लाइक करियो। अगर आप होते हैं ना तो मैं आपको भी यहाँ खिलाता अंडों की भुर्जी। हेलो दोस्तों, दोस्तों मैं अपने काम से जा रहा क्योंकि मैं सुता पाया सी, दो तीन घंटे में नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं अपनी ड्यूटी से जा रहा, तो मैं नैक्सट टाइम हूँ दादा ड्यूटी से जो भी सीन हो गए माड़े मोटे तो मैं जरूर उस एड करके तुम दसा। भाई साहब को जरूर लाइव करना। मेरे जेब में पैसा नहीं था, घर भूल गए पैसा, जेब में जाते हैं तो पैसा नहीं था, भाई साहब ने मेरे को छोड़ दिए मोल पर आए। तो दोस्तों ये हमारी दीदी, ये बच्चे, ये भैया हमारे, और ये काफ़ी दूर से मुझे मिले और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इनको सिंध चौंग में आना था और मैं लेकर आया हूँ। और ये दीदी बहुत ही अच्छे भैया, बहुत अच्छे हैं, इनके बच्चे हमारे बच्चों के साथ ही पढ़ते हैं सेंट थॉमस स्कूल में, और प्रभु का धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पे हम आए थे बसंत आइसक्रीम वाले के पास,
ये बच्चे दोनों खड़े हैं, आइसक्रीम खाने के लिए हम आए हैं। बसंत आइसक्रीम है, ये लुधियाने का बहुत ही फेमस है बसंत आइसक्रीम। तो दोस्तों मैं घरे आ गया अपने और रात दे 12 बज गए, हम तो हूँ ही आए हैं और हूँ नन्नू बैठी आइसक्रीम खा रही है बसंत वाले से आइसक्रीम में। देखो आइसक्रीम लच्छी वाली कुल्फी बसंत वाले की बड़ी मशहूर आ। मैं भी हूँ रोटी खान लगा। तो दोस्तों थानू अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो जरूर इन लाइक करियो प्लीज़ और सब्सक्राइब करियो और बहुत बहुत मेहरबानी, थानू बहुत बहुत थैंक यू, जरूर करियो। गुड नाइट, बाय।